मैं जरूर बताऊंगा। नहीं बताएगा? बताऊंगा। नहीं बताएगा तो बताऊंगा। नहीं, क्या हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं माजी, बस ऐसे ही। अरे कोई खास बात है क्या? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही नमस्ते बोलने आए। शट अप माजी, हम लोग यूं ही जा रहे थे, मैंने सोचा आपको ऑन द वे नमस्ते करते जाएं। अब बस हो गया ना, चले भी। अब चलो बताओ माजी, आप इसकी शादी क्यों नहीं कराती हैं? अरे ये तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? तुम्हारा दोस्त है, तुम समझाओ उसे। आयान, तू शादी क्यों नहीं करता है? अरे नहीं करनी मुझे शादी यार। क्यों नहीं करनी शादी? अरे माँ का ख्याल रखेगा। अरे माँ का ख्याल जो शादी करके आएगी वो रखेगी यार, पक्की बात। 100% प्रॉमिस। प्रॉमिस, ओके डन। चल माजी, मैंने प्रॉमिस ले लिया। फोटो दिखा, फोटो दिखा, जल्दी कर। ये देखिए माजी, राधा आपकी पसंद माँ। अच्छा ठीक, आई एम ओके। मंजू, अबे यार। सीता, इसकी दिखानी है इसकी, दिखा झंडू। किटी, ये बेकार फालतू फोटो क्यों दिखा रहा है यार? अंजू, और ये देखे माजी, ये कौन लड़के, इसका नाम क्या है? आहना माँ, आहना। ओ, फिर तो मुझे ये लड़की ज्यादा अच्छी लगी। अरे नहीं नहीं माँ जी। क्या हुआ? ये इस फैमिली में एडजस्ट कर नहीं पाएगी, बहुत ही मॉडर्न किस्म की है। बट वो आना है ना, सच्चा नाइस गर्ल, एकदम भारतीय नारी। सवेरे 4:45 बजे उठती है, नहा धो के मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है, वैसी कम्स बैक होम, यू नो, सबको चाय बांटती है। अच्छा? हाँ माँ जी, आपको ऐसी लड़की पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। बाय गॉड बोल रहा हूँ, जो उसकी माँ है ना वो माँ नहीं है। चुप बंटी चुप, मैं समझ गई। आयान, जब ये लड़की तुम्हें पहले से ही पसंद थी तो ये सब नाटकबाजी करने की क्या जरूरत थी? देखो आयान, जो लड़की तुम्हें पसंद है उसी से तुम्हारी शादी होगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू मां। चलें? चलो माजी, थैंक यू।